अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे एंड खुशबाश होंगे। तो काफी दिन हो गए थे कि हमने गेम के साथ बात नहीं की, तो मैंने सोचा आज जरा ना रोजा और रोड के ऊपर बात हो जाए थोड़ी सी। तो थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? सब्र। हम बहुत पहली चीज के ऊपर बात कर चुके हैं, तो रोड पे सब्र करना और रोजे के दौरान तो सबसे ज्यादा सब्र करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन यही तो टेस्ट है, यही तो करना है। अगर कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत किसी से हो जाता है तो उसको तरीके से करें या उसको जाने दें, दरगुजर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर आपने कुछ कहना भी है तो प्यार से भी बंदा कभी कह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा कहे वह इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ, चल लड़ाई करें, ये वो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम ज़रा यहाँ से वापस मोड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस आ रही है। तो क्या कहते हैं, ये जो है ना सब्र बहुत ज़रूरी है, तो सब्र ज़रूर करें। उसके अलावा ये कि जिसका हक है ना, जिसका राइट ऑफ वे है, जिसका रास्ता बनता है, भाई उसका रास्ता ना काटें, जल्दबाजी मत करें। आपको जितनी भी जल्दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का हक मारें रोड पे, क्योंकि इधर से फिर हक मारने वाली चीज़ें शुरू होती हैं जिनको हम छोटा छोटा समझते हैं कि जी ये तो कोई नहीं है, इधर से शुरू होता है। तो रोड पे लोगों की जो राइट ऑफ वे है, जो जिसका रास्ता बनता है, उसको जाने दें, उसके बाद आप अपनी बारी जब आती है तो ज़रूर जाएँ। तीसरी बात ये थी कि राउंड अबाउट के बारे में मैं बताना चाह रहा था, लोगों को पता तो होगा और अगर नहीं पता तो चले मैं बता देता हूँ कि राउंड अबाउट का जी रूल ये होता है कि जब आप राउंड अबाउट पे पहुँचते हैं ना, तो जो आपकी राइट साइड से आ रहा होता है ना बंदा, उसका राइट बनता है, उसको आपने जाने देना होता है, ठीक है ना। तो ये रूल है राउंड अबाउट का। अगर आप राउंड अबाउट पे आ रहे हैं, राइट से अगर कोई आ रहा है, आप रुक जाएं, उसको जाने दें, फिर आप गुजरें, ठीक है जी। ये रूल है राउंड अबाउट का, तो ट्राई टू फॉलो दिस रूल। ओके, चौथी बात ये है कि मैंने एक छोटा सा सूल बनाया है। कोशिश करता हूँ कि गाड़ी में टॉयज़ रखूँ, छोटी डिंकीज़ रखूँ, ये छोटी डॉल्स रख लूँ, कभी अपने बच्चों की उठा लेता हूँ, कभी बाज़ार से ले के रख लेता हूँ। ये नहीं भी अगर कर सकता तो टॉफ़ी के पैकेट्स रख लेता हूँ, तो जो बच्चे आते हैं मांगने के लिए, बजाय उनको पैसे दूँ, उनको मैं वो टॉयज़ दे देता हूँ या वो टॉफ़ी दे देता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना, वो प्राइसलेस होती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यू शुड ट्राई इट। आप लोगों को भी ये चीज़ कोशिश करके देखनी चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत पीस मिलेगा। मतलब इससे ज़्यादा तो करना चाहिए हमें, लेकिन चलें अगर इतना भी हम कर सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छे खाते में लिखा जाएगा। एनीवे, लास्ट चीज़ ये कहनी थी कि जी रोज़े के दौरान ज़रा सेंसेस हो सकता है स्लो हों, तो गाड़ी ज़रा ध्यान से चलाएं, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलाएं। और अगर कोई गाड़ी के अंदर आपने कोई मज़े लेने हैं या मस्तियाँ करनी है, तो ये देखें ना, ये गेम है ना, ये गेम खेलें। तो क्योंकि मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहेंगे कि खुद तो इधर बड़ी तेज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं और हमें कह रहे हैं देख के चलाओ, लेकिन मैं तो गेम में चला रहा हूँ, तो गेम में इंजॉय कर सकते हैं। एनीवे, आई होप आप सबका दिन अच्छा गुजरे, खैर खैरियत से गुजर जाए और अच्छी अच्छी इफ्तारी करें और इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। एनीवे, आज के लिए इतना ही था, अगली दफा तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।